तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ STRREV टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ STR1 में साइन, ठीक है, उसी को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, printf लिखता हूँ, printf के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर परसेंट एस और कॉमा देके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग STRREV, ठीक है, इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट पास कर देंगे STR1, ठीक है, STR1 जो हमारा स्ट्रिंग है हम लोग उसको पास कर दिए। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और हम लोग इसको करते हैं सेव और हम लोग इसको करते हैं कंपाइल और रन। कंपाइल हमने कर दिया और रन हमने कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं STR1 में है क्योंकि और हम लोग ने उसको कॉपी कर दिया था दूसरे में, इसलिए उसमें कॉलेज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया हमारा स्ट्रिंग। जो लास्ट कैरेक्टर था वो फर्स्ट में आ गया है और जो यहाँ पे फर्स्ट में था वो लास्ट में आ गया, मतलब उल्टा कर दिया स्ट्रिंग को, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग रिवर्स काम करता है। और यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं तो हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छा मिलेगा। न्यू लाइन यहाँ पे ऐड करते हैं स्लैश एन, सेव करते हैं और इसको वापस से रन करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये था स्ट्रिंग रिवर्स। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो हम लोग इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है अपर, ठीक है, दो हमारे पास फंक्शन और अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग अपर और स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। अपर केस और लोअर केस में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं दोनों एक साथ यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैं दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको स्लैश एन फॉर, ठीक है, अपर केस और यहाँ कॉमा देके यहाँ क्या करेंगे STRUPR अपर, ठीक है। मैं किसको अपर केस में करना चाहता हूँ, STR1 को करना चाहता हूँ, ठीक है, STR1 को मैंने कर दिया और मैंने इसको सेव किया और कंपाइल किया और रन किया, ठीक है। ओके, परसेंट एस तो लगाए नहीं हम लोग यहाँ पे, परसेंट एस हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको रन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिवर्स हो गया था और वो अपर केस में चेंज हो गया है, ठीक है, जो यहाँ रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग ने लिया था उसको अपर केस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे STR2 कर देते हैं, टू हमारा वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो स्ट्रिंग टू में कॉलेज है वो अपर केस में चेंज हो चुका है, ठीक है, अपर केस में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को अगर स्मॉल में है तो उसको हम लोग कैपिटल्स में कर सकते हैं, अपर केस में चेंज कर सकते हैं। अगर लोअर केस में कोई भी स्ट्रिंग है तो हम लोग उसको अपर केस में चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है अगर वो अपर केस में है तो उसको लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस कॉलेज को यहाँ पे स्ट्रिंग टू में
मैं इसको कर देता हूँ कॉलेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी यूज हो रहा है, तो स्ट्रिंग टू में जो भी स्ट्रिंग होगा वो कॉपी किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग वन में हो जाएगा, इसलिए मैं स्ट्रिंग टू में ही चेंजेस किया हूँ, ठीक है। मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग इसके नीचे वाले लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग एल डब्ल्यू आर, स्ट्रिंग लोअर एल डब्ल्यू आर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग लोअर, और ये क्या करेगा, लोअर केस में चेंज कर देगा, ठीक है, अपर केस में था उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। अभी हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है str2 में वो अपर केस में है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग को दिख रहा है ये अपर केस में है, अभी इसको क्या कर देगा, लोअर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देते हैं रन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अपर केस जो है वो अपर केस में, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, लेकिन लोअर केस में उसको क्या कर दिया, पूरे स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 7 टाइप्स के फंक्शंस यहाँ पे यूज किए जो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस थे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट फंक्शन हम लोग यूज किए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। सेकेंड होता है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करता है और हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद है कंपेयर, कंपेयर कल हमारा छूट गया था कल, ठीक है, कुछ इसमें दिक्कतें आ रही थी। ये कंपैरिजन कैसे करता है, लेटर बाय लेटर मींस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक का आस्की डिफरेंस निकालता है, ठीक है। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करता है, कुछ हम लोग को इक्वल्स या फिर इक्वालिटी चेक करके नहीं बताता, सिर्फ डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे साई साई यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा, आस्की वैल्यू में क्या डिफरेंस है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम लोग एस टी आर वन और एस टी आर टू में यहाँ पे किया था, ठीक है, तो दोनों में अभी तो जो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में जो भी कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ साई है यहाँ पे भी साई है, ठीक है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कंपाइलर है, ठीक है, वो कुछ उसमें डिफरेंस खोजता है, ठीक है, तो कैसे डिफरेंस खोजेगा, यहाँ पे देखिए आफ्टर कंपैरिजन यहाँ पे वैल्यू हम लोग को 67 देखने के लिए मिल रही। ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 में चलाओगे, 7 में चलाओगे, एक्सपी में चलाओगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है, क्योंकि आस्की वैल्यूज जो होती है, ठीक है, वो उसी के ही हिसाब से कंपेयर करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में अगर सेम है, वैल्यूज यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो भी वो कुछ ना कुछ डिफरेंस बताएगा दोनों में, ठीक है, कुछ रैंडम कंपेरिजन करता है वो। एक्चुअल में मुझे इसका थ्योरी, जो एक्चुअल थ्योरी है वो मुझे मिली नहीं, ठीक है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू हम लोग को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंटफ, और यहाँ पे हम लोग %d यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर कंपैरिजन, ठीक है, कॉमा, और यहाँ CMP, ठीक है, इसको मैंने सेव किया strcmpp.c, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। आफ्टर कंपैरिजन यहाँ जीरो बता रहा है, अगर हम लोग वेरिएबल पे यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिफरेंस निकालेगा, और अगर एग्जैक्ट सेम मिलेगा तो क्या करेगा, वो वैल्यू जीरो बताएगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एकदम सेम। लेकिन हम लोग एक स्ट्रिंग को
अगर यहाँ वेरिएबल से कंपेयर ना करके डायरेक्ट स्ट्रिंग में यहाँ कंपेयर करते हैं तो हम लोग को वैल्यू कुछ और मिलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे str1 के अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है वो साई है, और यहाँ पे भी हम लोग सेकंड स्ट्रिंग भी साई लिए, सेम लिए हम लोग। ठीक है, अब हो सकता है डिफरेंस हम लोग को अलग बताए। ठीक है, वार्निंग आया है हमारा। ठीक है, अभी भी सेम बता रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों में चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग डबल कोट्स में लिख देते हैं साइन। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और ठीक है, ओके सही है। ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही कर रहा है। ठीक है, दोनों को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिफरेंस निकालता है और डिफरेंस हम लोग को बताता है। ठीक है, अगर कुछ भी डिफरेंस हम लोग को मिलता है, ठीक है, जैसे मैं स्मॉल एस कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल एस मैं किया यहाँ पे और सेव किया और उसको कर देते हैं रन। ठीक है, तो हम लोग को 32 वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि स्मॉल एस और कैपिटल एस के बीच में क्या होगा, 32 का डिफरेंस होगा इसीलिए। ठीक है, आस्की वैल्यूज में डिफरेंस निकालता है और वो हम लोग को वहां से कैलकुलेट करके देता है।